के दौरे के दौरान केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर से सेंटर ऑफ स्प्रिंग वेलफेयर एसोसिएशन की एक प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की और ये मांग रखी कि द्वीपों में बाहर से आने वाले घुसपैठियों पर रोक लगाई जा सके। सेटलर ऑफ स्प्रिंग वेलफेयर एसोसिएशन के सदस्यों ने श्री प्रकाश जावड़ेकर को यह बताया कि अंडमान की परिस्थिति बहुत ही नाजुक है और अतिक्रमणकारियों द्वारा अंधाधुंध पेड़ों की कटाई की वजह से अंडमान के पर्यावरण को भी काफी क्षति पहुंच रही है। तितलीपुर के स्थानीय पत्रकार श्री डीजे वेंकटेश ने चैनल वन न्यूज को बातचीत के दौरान यह बताया कि प्रतिनिधिमंडल ने यह भी शिकायत की है कि अतिक्रमणकारियों द्वारा उत्तर अंडमान क्षेत्र पर बड़े पैमाने पर वनों की कटाई की जा रही है और उन्हें संदेह है कि इन अतिक्रमणकारियों में से कई बांग्लादेशी नागरिक भी हो सकते हैं। सेंटर ऑफ स्प्रिंग वेलफेयर एसोसिएशन ने जहां से अंडमान में बड़े ही सुनियोजित तरीके से और बड़े पैमाने पर हो रही अतिक्रमण के ऊपर उच्च स्तरीय जांच कराने की भी मांग की है। इसके अलावा प्रतिनिधिमंडल ने अंडमान में इनर लाइन परमिट शुरू करने का भी आग्रह किया।